गलती है, इन्होंने मुझे मारा और इनको छोड़ना नहीं। आखिरी समय तक वो ये बोल के गया कि मेरे कुछ नहीं किया था, मेरे को बहुत मारा, इनको छोड़ना नहीं। सर जानवरों जैसे मारा सर, जैसे 100 गोली किसी के शरीर में छन्नी करेंगे सर, ऐसे ऐसे शरीर में चोट लगी सर, मुक्के से, लातों से, घुसों से सर, पूरा पसली तोड़ दी, हड्डी तोड़ दी। जानवर जैसे जब कोई कुत्ते को मारते हैं ना, वो कुत्ते वाला मेरे बेटे का हाल किया सर, कुत्ते वाला आप देख लीजिए, मेरे बेटे का कुत्ते का हाल किया उन्होंने, इतना मार मारा इसकी आप सोनोग्राफी देखेंगे ना, हर जगह से खून का रिसाव हुआ उसके शरीर में, हर बोलते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, हम वो सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया है, हम लोग लड़ाई झगड़े के पीछे नहीं जाते सर, हम ये प्यार समाज में प्यार से रहते हैं, पर मेरे बच्चे के साथ, मैं एक प्रधान गुरुद्वारे के प्रधान के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ सर, मैं एक सेवा करने वाला आदमी, मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय, मेरे को एक इंसाफ मिलना चाहिए सर, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। मेरी माँ की बरसी थी सोमवार को, मेरे बेटे ने उससे पहले बलिदान दे दिया मेरे, हाँ कि मैं अपना बलिदान जो करूंगा गुरुद्वार में सेवा करके करूंगा, हाँ इनको मेरे बच्चे को, मेरे उन छोटे छोटे बच्चे को, उनकी मम्मी को संभालिए, हम आपके सर, साथ है। मेरा हाल बुरा कर दिया सर इन्होंने। देखिए टंडन जी, इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, आपकी वर्दी, आपके ताकत, आपके कानून की ताकत को चुनौती मिल रही है। इस प्रकार का जो अपराध हो रहा है, त्वरित कार्यवाही नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप आपकी ड्यूटी है क्या? जब कानून का डर नहीं रहेगा लोगों को, लोगों की रक्षा कैसे होगी? ठीक प्रकार से कार्यवाही करिए और तुरंत कार्यवाही करिए, कोई छुटना नहीं चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना आपको। जुलाई में एक युवक की हत्या हुई है, उस पर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान मुर्दा कहे, मुर्दाबाद कहने पर जो है युवक की हत्या हो रही है, वो कह रहे हैं कि बीरतपुर जैसी स्थिति, ये इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है, और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं, उसके बाद भी राजनीति कर जाती है तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। इसी में जो तीनों गुट हैं वो भी पहुंच रहे हैं, सरोज पांडे अलग पहुंच रही है, प्रेम प्रकाश पांडे अलग और वो अलग जो है, अब स्वार्थ के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, अन्यथा तो कभी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। सीएम साहब को अगर ऐसा लगता है तो ये जिस दिन मौत हुई थी उसी दिन ये सारा चीज़ कर दिए रहते, परिवार के साथ ये घोषणाएं पहले कर देते, परिवार को संतुष्ट कर लेते। ना तो भाजपा का कार्यकर्ता मारा गया था, ना ही कोई भाजपा के नेताओं ने आंदोलन शुरू किया था, भाजपा सिर्फ जो बच्चा मरा था उसके परिजन को जहाँ तक की संतुष्टि नहीं थी प्रशासन और शासन के कार्यों के द्वारा, और वो इस लड़ाई को लड़ रहा था और भाजपा उस लड़ाई में पूरा साथ दिया है, इसलिए सीएम साहब ये बात बोल करके उस मृतक के आत्मा को मैं समझता हूं कि अपमानित कर रहे हैं। भैया धरने की रूपरेखा क्या होगी? या आप लोग सहयोग मेरे साथ किए तो मैं तो ये जीवन भर भी आप लोगों का सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरे को साथ दिया, इसलिए मेरे को आप लोगों का सहयोग, जो
हुआ है सब मानवीय आधार पे आप और जो तात्कालिक परिस्थितियाँ उसके अनुसार पूरा परिवार परिवार के हिसाब से आप लोग और हम लोग की पहले से न्याय मिले और जिस न्याय पद्धति से आपको संतुष्टि आप संतुष्ट दर्शन में हम लोग अपने भाई का कल अंतिम संस्कार करेंगे पर आगे देखेंगे। पर शुभम शर्मा के विषय में जो आरोपी है जिसको हमने बोला है उसके बाद भी उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है उस विषय में हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, अब भी नहीं हैं।